ये जुदाई सबसे सर परेशान करती है, हमें जुदाई पसंद नहीं है। किस्मत पर एतबार किसको है, किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको है। कुछ मजबूरियां है मेरे दोस्त, वरना जुदाई से प्यार किसको। वाह वाह, before hand over this mic to sir for motivating us, because sir I have already motivated us, but these mics for you all bahut hi stress honge, aisa ye waqt aa gaya, saudi hamara prelims bacha hai aur kal notification bhi final aa jayega, par sach mein sir main aap se ek cheez sikha, zindagi mein tension mat lena aur isi pe jee raha hu sir, aap sabke liye hai। waqt mile to thoda apne se baatein kar lo, वक्त मिले तो थोड़ा अपने से बातें कर लो, इस भागम भाग जीवन से थोड़ा आराम कर लो, मिल जाएगी बहुत खुशी तुम्हें, फिर अपना कुछ काम कर लो, यूं तो चलने का नाम जीवन है, पर कभी इंसान भी बन लो। वक्त मिले तो थोड़ा अपने से बातें कर लो, इस जीवन से थोड़ा कुछ सीख लो, इतनी रफ्तार क्यों है, कुछ सुकून भी तो कर लो, छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लो, ये खूबसूरत जीवन को कभी झंझान न बनाओ, वक्त मिले तो थोड़ा अपने से बातें कर लो। वाह, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल पोरू, हु इज गोइंग टू रिसाइट अ पोयम। कैसे हैं सर? अब आपको कैसी लगी ये पता नहीं। द सन नॉक्स द डोर एवरी मॉर्निंग, लिटिल डिड ही न्यू दैट ही वॉज द सन नॉकिंग एट द विंडोज ऑफ माई वाइट माइंड बॉडी एंड सोल एवरी मॉर्निंग, एंड आई वॉज द टाइनियस्ट ऑफ द पार्टिकल रिफ्यूज टू ड्राउन ड्यू टू द शाइन एंड विजडम ही होल्ड फॉर अदर्स, थॉट विद ईच न्यू डे he was like a road not taken in the ancient lane of world history, edifying the power of fortune, he paved the way for the legends in the past and one pot key to success, reading what Karl Marx once said, last words are for fools who haven't said enough, a tinge of shiver went down her spine with a sudden realization that even we couldn't find enough last word to bid you I do, seems like the persona of the Jern world history is meant to be written with golden ink and adored by the heart. Thank you. Thank you. Now one motivational poem for you all, which I have composed, that is my first composition when I was in class, even in class 10. आंखें बंद करने से मंजर बदला नहीं करते, आंखें बंद करने से मंजर बदला नहीं करते, कहने भर से आंख झुका नहीं करते, चाहत है अगर कुछ कर गुजरने की तो हौसले कभी कम हुआ नहीं करते, पहचानो अपनी काबिलियत को समझो कि वक्त हर बार इम्तहान दिया नहीं करते, करो दृढ़ संकल्प की पाना है मंजिल को, फिर असफलताएं भी राहें रोका नहीं करते। Now I would like to hand over this mic to sir. Sir, at this moment we would like to have some advice suggestion because we are really facing such a some peak time. सर इसमें वर्ड हिस्ट्री लिखेंगे। सर हम एक किताब देखना चाहते हैं आपके नाम। चुनाव की फोटो होगी सर, फोटो ऐसा है सर, मिल ही जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। वाह,
और योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस ऑल व्हाट एवर आई हैव डिसाइडेड मैं तलाश करूं तो कोई हमें मिल ही जाएगा रात की तरह I am so fortunate that sir I come from eastern UP from where I have everything seen poverty struggles everything and today I am here with you all it's a, I think a great pleasure for me and thank you for all of you for cooperating us sir now I have said everything whatever in these past 16 classes so before you speak I want to speak कहाँ है भाई आगे आने वाले राज्यसभा के सदस्य और एक लिक्विड आपको बहुत ज्यादा खास है तो उसी बर्फ का वो टुकड़ा शराब में क्या गिरा बदनाम हो गया अर्ज किया है बर्फ का वो टुकड़ा शराब में क्या गिरा बदनाम हो गया जब तक देता वो अपनी सफाई खुद ब खुद जाम हो गया नो सी आई टेल यू इट्स बेसिकली यूपीएससी इज बेसिकली अ गेम वो मैंने पहले आई मेक अ प्लान आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर मैंने इतना परेशान किया अपने टीचरों को बट ऑलमाइटी हैज गिवन दिस जॉब टू मी आई डोंट नो व्हाई पर व्हेन ही हैज गिवन Now I'm performing it according to his will. I never talk to the students. I have been called my school, my principal, my teachers, previous teachers. They said you come and say something to the student. I said sorry. मैं सच तो बोल ही नहीं पाऊंगा. और बच्चों को झूठ पसंद नहीं है. और मैंने बच्चों से जाके कह दिया कि लिकर इज द बेस्ट थिंग वो तो घर पहुंच जाएंगे. दूध मत लाया कर हनी के लेकर आएगा तो आगे कह दे सर कुछ नहीं होगा सर आप जो अननेसेसरी टेंशन विच यू टेक वन थिंग इज नॉट इन योर हैंड सर वन थिंग इज नॉट अदर इफ एवरीथिंग वुड हैव बीन इन अवर हैंड देन आई वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स हियर इन बाजीराम दे वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर वी टीच द पीपल दे गेट क्वालिफाइड हियर विद एवरेज मार्क्स वी दैट इज बिकॉज फ्रूट्स आर नॉट इन अवर हैंड Mr. Parmar disqualified only because of one marks. Can you imagine? इसलिए तभी तो शायरी निकलती अंदर से. If that person would have got one more, you see the memory of that person. Invincible memory. पिछले जन्म की कहानियां याद हैं. मैं तो कभी-कभी कहता हूँ कि भाई क्या memory उस आदमी. And you see all the youngsters here, those who are teaching, Shivarpit, you see. A balanced man with a balanced knowledge and well, a reservoir of knowledge. You take anyone here in this Vajiram Institute, you will not find any person, any teacher, which is below average. Har aadmi ko dekh ke lagta hai yaar, is aadmi ka kyon nahi? Sir, aap ye mat socho. Sometimes people come and ask us, ki sir, you have studied so much, you people have done so much hard work, why you did not qualify? Sir, fruits is not in our hand. This is what these books say. तभी तो मुसलमान हर बात पे कहता है इंशाअल्लाह कि मालिक अगर चाहेगा तो पर अब वो सिर्फ कहता है वो उसको पर्सनली मानता नहीं द मोमेंट यू स्टार्ट बॉदरिंग अबाउट फ्रूट्स द नेचुरल आउटकम इज टेंशन द फंडामेंटल रीजन फॉर योर टेंशन इज यू स्टार्ट बॉदरिंग अबाउट फ्रूट्स फिर होगा कि नहीं होगा यू डोंट डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप नहीं करते सर यू डोंट प्लान यू डोंट सेट प्रायोरिटीज You are not pragmatic. And sir, please, develop the hobby of reading autobiography and biography. अभी मैं खालिफ उमर का नाम ले रहा था. Please sir, YouTube पर खोजिए उस आदमी बारे में पढ़िए. You don't bother about Hindu and Muslim. सोना जहां से जिस खान से भी मिले निकाल लो. अगर मुसलमान के खान में सोना है तो नहीं निकालोगे. बिल्कुल निकालोगे. तुम्हारा मतलब सोने से होना चाहिए खान किसकी है तुम्हें इससे मतलब नहीं है तुम आदि ग्रंथ पढ़ो सुखमणि साहब पढ़ो कुरान पढ़ो गीता पढ़ो सर पता नहीं कहां आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए यू विल बी वीक टिल यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर माइंड यू विल बी वीक सर टिल यू आर अ कंट्रोल ऑफ माइंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड टिल यू आर अंडर गाइडेड बाय माइंड उसका काम ही यही है सर यही तो इबलीस है शैतान यही है सर
ये तो भरमाता है आपको।